जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बटेर चिक्स कहाँ से लाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने अभी ब्रूडिंग सिस्टम में बैठा हूँ। अगर नए फार्मर हैं उन्हें ब्रूडिंग सिस्टम को समझना होगा सही तरीके से। अगर आप ब्रूडिंग सिस्टम आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपका नुकसान लगना तय है। और नए फार्मर के साथ में मैं सलाह यही दूंगा कि वन डे चिक्स बिल्कुल भी वो ना मंगाएं, हमेशा 5 डे 7 डे 10 दिन का चिक्स मंगाएं, वन डे चिक्स बिल्कुल भी ना लें। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये बटेर का चिक्स कहाँ से मंगाएं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, नए हैं, तो अगर आपके लोकल में कहीं हचरी है तो आप खुद से जाके हचरी से लेके आइए। लगभग 60 से 90 किलोमीटर के रेंज में अगर है तो आप खुद से लेके आइए, सबसे बेहतर यही होगा। अगर काफ़ी 200-300 किलोमीटर के रेंज में हचरी है, आपके लोकल में नहीं है, तो आप डिलीवरी के दौरान आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको चिक्स की क्वालिटी के बारे में बात करना होगा हचरी से। दूसरी चीज़, आपको जो चिक्स मिल रहा है वन डे चिक्स या फाइव डे चिक्स, वन डे चिक्स बिल्कुल भी ना मंगाएं, फाइव डे या सेवन डे 10 दिन का चिक्स ही लीजिए, सबसे बेहतर होगा। 10 दिन का चिक्स लेने में उसका प्राइस थोड़ा हाई तो रहेगा, पर आपका नुकसान उसमें बिल्कुल लगने वाला नहीं है, क्योंकि जो हचरी से आपको 10 दिन का चिक्स मिलने वाला है वो 10 दिन स्टार्टर फीड खिला के आपके पास भेजेंगे, तैयार करके भेजेंगे 10 दिन। वो आपको मैनेज नहीं करना है, ब्रूडिंग का मैनेज नहीं करना है। उसमें जो मोर्टेलिटी होता है, मरने की संख्या बिल्कुल भी ना के बराबर रहेगा। एक भी चिक्स हो सकता है कि ट्रांसपोर्टिंग में एक आध पीस मर जाए, उसकी बात नहीं, पर हचरी पे आपके फार्म पे पहुंचने के बाद एक भी चिक्स नहीं मरेंगे, नुकसान आपका नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, आपको ये बात करना है कि अगर आपके फार्म पे चिक्स पहुंचने के बाद किसी प्रकार की बर्ड में समस्या आ रहा है, बीमारी आ रहा है, आगे चल के कोई समस्या आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या हचरीज के तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह चीज़ आपको हचरी से पहले बात करना पड़ेगा। यह सब चीज़ों को आपको मैनेज करके हचरी से कंफर्म कर लेना है। पेमेंट के लिए जो पेमेंट आपको एडवांस में करना पड़ेगा, किसी भी हचरी से आप चिक्स मंगा रहे हैं तो पेमेंट आपको एडवांस में ही देना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको सही तरीके से बात कर लीजिए पेमेंट के बारे में। और हमारे हचरी से अगर आप चिक्स मंगा रहे हैं तो हमारा ऑनलाइन वेबसाइट भी है, ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, प्राइस दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से आप प्राइस दे सकते हैं, बुक कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी हैं। कॉन्टैक्ट के बारे में मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, यहां से आप मोबाइल नंबर के द्वारा से आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कभी भी पेमेंट जब आपको करें, आपको लगे अच्छे तरीके से विश्वास आपको हो तो आप पेमेंट करिए, और ना अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रहा है पेमेंट करने में तो आप खुद से हचरी से जाके लेके आइए, वही बेहतर होगा। और सपोर्ट आपको हचरी की तरफ से मिलना चाहिए, अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नए फार्मर के साथ में सबसे ज़्यादा समस्या आ जाएगा। लास्ट में सेलिंग के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रहा है तो उसके बारे में भी, अगर वो हचरी के तरफ से अगर आपका माल नहीं लिया जा रहा है तो कम से कम सपोर्ट तो मिलना चाहिए कि कैसे उन्हें सेल किया जाए, कैसे बिक्री किया जाए, इसके बारे में जानकारी आपको मिलना चाहिए हचरी की तरफ से। ये सब चीज़ें, अगर आपको हचरी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही हचरी से आपको माल मंगाना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल फार्मर बन पाएंगे, एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे, ये तो बिल्कुल सही बात है। चलिए, हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।